सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों टोनी स्टार्क सिर्फ पेपर पॉट्स को रेस्क्यू सूट ही देंगे एवेंजर्स 4 में, क्यों वो पेपर पॉट्स को ब्लीडिंग एज आर्मर जैसा पावरफुल सूट नहीं दे सकते, और किस तरीके से ये रेस्क्यू सूट काफी ज्यादा डिफरेंट और पावरफुल होने वाला है कॉमिक बुक के रेस्क्यू सूट से। सो जैसा कि आप जानते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के बाद टोनी स्टार्क शायद अलर्ट भी हो जाए और इनसिक्योर भी हो जाए कि आगे चल के स्नैप होने के बाद भी जो है थानोस से भी बड़ा खतरा उनके सामने आ सकता है, जिससे न सिर्फ पूरी दुनिया पूरी यूनिवर्स खतरे में हो सकती है बल्कि उनकी पेपर पॉट्स भी खतरे में हो सकती है। इसीलिए फिर से नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके टोनी स्टार्क ने इस रेस्क्यू आर्मर को बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि ये सूट ब्लीडिंग एज आर्मर की तरह या फिर जो है आयरन स्पाइडर सूट की तरह पावरफुल होने वाला है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ नैनो टेक्नोलॉजी का रोल इतना होगा कि ये सूट जो है पेपर की बॉडी पे नैनो पार्टिकल्स की मदद से आराम से स्प्रेड होगा, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन के साथ देखा था जब वो क्यूशिप पे चढ़े थे और आयरन स्पाइडर जो है नैनो पार्टिकल्स की मदद से उनकी पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो गया था। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये रेस्क्यू सूट टोनी स्टार्क ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया होगा, क्योंकि इसमें भी वही आर्क रिएक्टर फिट है जो कि हमें लीक पिक्चर्स में नजर भी आता है, जो कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क के ब्लीडिंग एज आर्मर में देखा था। लेकिन अब उसी सवाल पे अगर वापस आए कि क्यों टोनी स्टार्क ब्लीडिंग एज आर्मर जैसा पावरफुल सूट नहीं देंगे, क्योंकि अगर खतरा बड़ा आने वाला है एवेंजर्स 4 में तो उसी हिसाब से उन्हें पेपर को भी एक एडवांसमेंट देनी चाहिए। यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के बाद शायद टोनी स्टार्क को ये समझ आ गया हो कि अगर वो हाईली एडवांस्ड सूट यहाँ पे देंगे पेपर को तो वो उनके साथ साइड बाय साइड फाइट करने के लिए चली जाएंगी, और जिसकी वजह से वो अपनी जान भी गंवा सकती है बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। इसीलिए टोनी स्टार्क इस आर्मर के फीचर्स को अपने AI फ्राइडे की मदद से कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं कॉमिक बुक में कि इस रेस्क्यू सूट को जार्विस अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था, और यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स भी फिट की होंगी इस रेस्क्यू सूट में टोनी स्टार्क में, ताकि जब अगर पेपर चाहे भी उनके साथ जाना फाइट के लिए तो वो रेस्क्यू सूट उन्हें जाने न दे बल्कि उन्हें किसी सेफ जगह पे पहुंचा के रख दे। वहीं अगर बात करें इस सूट के मेन फीचर्स की, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स होने वाली है, क्या ये कॉमिक बुक से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा, तो जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क को पता है कि अगर उन्हें पेपर को प्रोटेक्ट करना है तो इस आर्मर में उन्हें डिफेंस के अलावा अटैकिंग पावर भी फिट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में इसकी स्ट्रेंथ लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बल्कि अटैक ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता था क्योंकि इसके रिपल्सर्स उतने पावरफुल नहीं थे। लेकिन अगर बात की जाए तो इस सूट में एक खास बात यह है कि यह फोर्स फील्ड जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से यह आने वाले अटैक्स को आराम से डिफेंस कर सकता है। लेकिन एवेंजर्स 4 में प्रोबेबली हमें इस सूट का एक डिफरेंट रोल देखने को मिल सकता है, जहां पे पेपर पॉट इस रेस्क्यू सूट को यूज करेंगी एवेंजर्स 4 की बैटल में, जो कि शायद न्यूयॉर्क में या फिर न्यूयॉर्क के कहीं आसपास ही होने वाली है, क्योंकि एवेंजर्स 4 के जब रीशूट्स चल रहे थे तो वहां पे हमारे सामने एक इमेज आई थी जहां पे डस्ट ही डस्ट उड़ रहा था काफी सारी गाड़ियों के बीच में से, तो हो सकता है कि न्यूयॉर्क बैटल का एक रियल वर्जन हमें एवेंजर्स 4 में दिखाई दे, जहां पे रियल में थानोस की आर्मी और थानोस से फाइट करने वाले हैं हमारे एवेंजर्स, या फिर उससे भी बड़ा कोई थ्रेट हमें देखने को मिल सकता है। और क्योंकि वहां पे शायद पेपर पॉट्स भी मौजूद होंगी, और इसीलिए टोनी स्टार्क ने इस रेस्क्यू सूट को मंगवाया होगा पेपर पॉट्स के लिए। सो गाइस, क्या आप इस थ्योरी से एग्री करते हैं कि टोनी स्टार्क ने पेपर पॉट्स के लिए ये रेस्क्यू वाला सूट इसीलिए डिजाइन किया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी मार्वेलस।